गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का अपना पहला वेब न्यूज चैनल जहां दिखाई जाती है खबरें आपके शहर की। नगर निगम ने अपनी क्षेत्र सीमा को बढ़ाने के लिए 38 गांव को अपने अधीन करने का जो कवायद है वो शुरू कर दी है, लेकिन जो 38 गांव के लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करने के लिए वो यहाँ मिनी सेक्रेटेट पहुँचे और मुख्यमंत्री के जो नाम है वो ज्ञापन सौंपा और उनकी डिमांड है कि इस तरह से जो गाँव को अधीन न किया जाए, जो पंचायती राज है उसमें वो ज़्यादा कारगर साबित होता है। नगर निगम की कार्यप्रणाली पर उनको शक है, वो उनको लगता है कि किस तरह का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगी। सर, क्या लगता है कि नगर निगम के खिलाफ अब क्यों हो रहे हैं कि 38 गाँव को जो दिया जा रहा है अपने दिन? देखो, नगर निगम में जो पहले गाँव आए हैं उनकी दशा देखते हुए हम ये सोच रहे हैं भाई नगर निगम में चले गए तो हमारा गाँव भी नरक बन जाएगा, इसलिए सारे लोग विरोध कर रहे हैं अब भाई नगर निगम में नहीं जाना। क्या लगता है कार्यप्रणाली पर शक है आपको? कार्यप्रणाली पर शक है, लगता है कि वो काम नहीं कर पाएंगे ठीक से? नहीं, कार्यप्रणाली देखो, पंचायत की अपनी कार्यप्रणाली होती है, गांव के अंदर ही वो सरपंच होता है, सरपंच के पास अपना खाता ही बस्ता ही सारी चीज़ होती है, वो मौके पे जाता है, मौके पे देखता है, एक मिनट में रेजुलेशन पास करता है और अगले दिन काम शुरू करा देता है। रही बात नगर निगम में लेने के बाद, हम एक सरकारी अधिकारी, अब हमारा पार्षद बनेगा, पार्षद आगे जाके बोलेगा जी हमारे गाँव के एस्टिमेट बनाओ, एस्टिमेट बना के फिर वे नगर निगम में जाएंगे, नगर निगम में जाकर उनके हाउस में पास होंगे, हाउस में पास होने के बाद काम होगा ना होगा वो बात की बातें हैं। इसलिए सरकारी जो तंत्र रहेगा वो बड़ी लंबी प्रक्रिया है, और जो पहले हमने नगर निगम का जो हाल देखा, जो पहले गांव गए हैं उनको देखते हुए तो हम कतई भी नहीं जाना चाहते अब भाई हम नगर निगम में किसी तरह से शामिल हो। दूसरी बात ये है कि हमारे गाँव जो आज के दिन 80% खेती किसानी पर है, हमारे गाँव की जो सीमा है वह सारी खेती किसानी की है, उसके अंदर कोई कॉलोनी या सरकार का सेक्टर कुछ नहीं बचा है। तो जब एक बात बताओ, हमारा लालडोरा लालडोरा है या हमारी आबादी आबादी है, उसके अंदर जब हमारी हमारी अपनी सरकार, जो छोटी सरकार पंचायत की जो सरकार है वह काम करने में जब सक्षम है तो फिर हम नगर निगम में क्यों जाए? क्या लगता है क्या मंशा है नगर निगम की जो 38 गाँव को अपने अंडर करने अधीन करने के चक्कर? नगर निगम की मंशा तो सिर्फ एक है, इनके पास 7,000 एकड़ ज़मीन है और 500-700 करोड़ रुपये पड़े हैं, उनको ये सोच रहे हैं कि भाई इनको हड़प लें और अपने सरकार चलाएं। बात क्या लगता है, विकास कार्य पर विश्वास नहीं है नगर निगम के? जो विकास कार्य और शहर जो 35 वार्ड में हुए हैं उन पर विश्वास नहीं है? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, नगर निगम की जो प्रणाली है वो ग्राम पंचायत की प्रणाली से भिन्न है। आज एक ग्राम स्तर पर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमें बहुत आसानी से मिल जाता है, मेंबर पंचायत है, ब्लॉक समिति है, सरपंच और जिला पार्षद है, लेकिन नगर निगम के अधीन हमारा यदि गांव आता है तो हमें 15 से 20 हज़ार वोटों पर हमें एक जनप्रतिनिधि मिलता है और उसका दायरा बड़ा होता है, लेकिन विकास के लिए उसको उचित पैसा नहीं मिल पाता, जिसके कारण नगर निगम के दायरे पिछड़ते जा रहे हैं। लेकिन नगर निगम अपेक्षा ग्राम पंचायतें हमारे काम में समय पर हो जाती हैं, तो मेरी तो सरकार से ही प्रार्थना है कि आप नगर निगम में शामिल ना करके उनसे अनुरोध है वो इनको ग्राम पंचायत के आधार पर ही कार्यप्रणाली करने दें। कितने गांव के लोग हैं जो मौजूद हुए हैं, कौन कौन है, क्या पूर्व सरपंच? गांव के सरपंच भी आए हुए हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर भी आए हुए हैं, जिला पार्षद भी आए हुए हैं और पूर्व सरपंच भी आए हुए हैं। गांव का विकास ग्रामीण केंद्र सरकार की जो ग्रामीण योजनाएं हैं उसका हमें प्रोत्साहन मिलता है, जो सेंटर फंड देता है वो मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट फंड देती है वो मिलता है, जो पंचायत की अपनी इनकम होती है वो फंड मिलता है। और गांव में क्या है, गांव में एक सरपंच होता है और पंचायत मेंबर होते हैं, अपना प्रस्ताव पास करिए, अपने एस्टिमेट पास करवा के अपना कार्य तुरंत शुरू कर देते हैं। नगर निगम में क्या है, नगर निगम का बहुत बुरा हाल है। हमारे रेलवे लाइन पार 3 गाँव हैं, झाजगढ़, धनवापुर और आपका सराय, तीनों स्लम बने हुए हैं, जब से निगम में गए हैं वहाँ सड़ हैं और वहाँ सुअर लेट रहे हैं, उन गाँव की ये हालत है। और उनके साथ हमारे गांव बाबूपुर देख लो, दौलताबाद देख लो, मोहम्मद हेड़ी देख लो, धर्मपुर देख लो, और हम मोहम्मद हेड़ी के सरपंच हैं फिलहाल, ठीक, और गांव के नंबरदार भी हैं। और हमारी सरकार से यही मांग है कि इन बिल्डरों की घूस को ना खा के गांव को बरकरार पंचायत रखी जाए, ये हमारा सरकार से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री से हमारा अनुरोध है, इन बिल्डरों की ना सुन के, इन बिल्डरों से डेवलपमेंट चार्ज जमा करा के उनको लाइसेंस दे। हमारे गाँव मोहम्मद हेड़ी में ना कोई बिल्डर है, ना कोई लाइसेंस है, ना कोई ग्रुप हाउसिंग है, ना गांव की चकबंदी हुई है और 100% एग्रीकल्चर है। धन्यवाद। ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम, और 38 गांव के जो लोग हैं उन्होंने सभी ने अपने अलग अलग ज्ञापन बनाया हुआ था और यहाँ पर जो SDM है उनको सौंपा। ये कुछ कहना चाहते हैं गांव के लोग, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं? ये ऐसा है, सरकार ने एक ATM मशीन लगा दी इन गाँव की, ठीक है, इनमें 700-800 करोड़ की FD है
7,000 एकड़ से ऊपर जमीन है, 5 करोड़ का लगाओ तो आप कितने 1,000 करोड़ की जमीन होगी। अगर इनका पैसा एक गजट नोटिफिकेशन पास कराया और सारी इनकी पैसा जमीन को ले लिया नगर निगम में और सरकार फिर उसको यूज करेगी, इनका एक एटीएम समझ रहे इन गांवों को। ये हर गांव में काम हो चुका है, सिविल लाइन दब चुकी है, कम्युनिटी सेंटर सब कुछ है, तो फिर किस लिए? अगर नगर निगम बनाते हैं तो अधिकारी अधिकारियों की ड्यूटी है, सरकार उन्हें पैसा देती है, पैसा कहाँ से? हम टैक्स देते हैं। वे आए गांव को समझाए कि हम आपका ये फायदा होगा ये नुकसान होगा तो हमें बताए, ये थोड़ी यहाँ दफ्तर में बैठकर अपनी 4 लाइन लिखी हमें बना दिया, ये जनता बेवकूफ थोड़ी है। आज के विरोध के बावजूद भी अगर उन्होंने ये आपकी मांग नहीं मानी तो क्या आगे की प्रणाली क्या आपके हमारी ये है आंदोलन मानेंगे तो ठीक है और नहीं है तो हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हम अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और 38 के 38 गांव हमारे इकट्ठे और साथ रहेंगे हम। जमीन पंचायत अगर लेना है, एक मिनट, यहाँ से 16 किलोमीटर पर झुंडली सराय गांव है, उसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसके पास नहीं तो पंचायती जमीन है, नहीं उसकी पंचायत में फंड है। उन गांवों को चूज किया है, 25 किलोमीटर तक के गांव ले लिए, 16 किलोमीटर का क्यों नहीं लिया? धानावास है, क्यों नहीं लिया? 12 किलोमीटर पे उसकी पंचायत में पैसा नहीं है, उसके पास जमीन नहीं है। शिकोपर को ले लिया, क्यों पता? उसके 10-10 करोड़ का एकड़ है, 125 करोड़ उस पंचायत में। मानेसर को ले लिया, कासन को ले लिया, वहाँ तक क्यों लिया है? सिर्फ उनका मकसद ये है कि इनको एक एटीएम बना दो, सरकार और अधिकारी चाहेंगे वैसे उसको यूज करेंगे। अब एक काउंसलर बनेगा, वो 5 गांवों का काउंसलर है, किसी भी गांव में हम जाएंगे उसके पास कहेंगे जी हमारे ये रास्ता बनाओ, गली बनाओ, वो कहेगा ठीक है जी मैं एस्टिमेट भेजता हूँ, और नगर निगम कमिश्नर को भेजेगा, कमिश्नर इंजीनियर को भेजेगा, इंजीनियर जेई को भेजेगा, जेई उसका एस्टिमेट बनाएगा, फिर कहेगा जी पास नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ। जिस गांव में नगर निगम है उनमें नगर निगम के कूड़े की ट्रोलियों का जंग लग गया है। आप हमारे गांव जाके देखो, शिकोपर को देखो, मानेसर देखो, खो देखो, कासन देखो, अलिया ढाणा देखो, उनकी हालत जाके देखो क्या है। हमें इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है और नहीं हम जाएंगे। तमाम जो 38 गांव के लोग यहां पर मौजूद हैं और ये विरोध कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो निगम के अधीन होने से बचा जा सके। इनका कहना है कि अगर ये विरोध प्रदर्शन कामयाब नहीं होता है, अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है, तो ये सीधे सीधे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और इनका आरोप है कि जो निगम है वो 38 के 38 गांव को एक एटीएम मशीन के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं और जो भी कमाई है वो उनसे जो है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। इनका ये आरोप है कि जो भी हज़ारों करोड़ रुपये की ज़मीन है और जो पैसा है वो हड़पने के चक्कर में जो है नगर निगम 38 गांव को अपने अधीन करना चाह रहा है। यही उनकी मंशा है कि किसी तरह से इनको अपने अधीन कर लिया जाए और जो पहले से गांव जो नगर निगम के अधीन है उनका विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये इनका आरोप है कि पहले से ही वो जो गांव है उनकी हालत जो है जर्जर हो चुकी है। जो सुविधाओं का दावा नगर निगम लगातार करता रहा है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। देखना हो कि नगर निगम की जो एक कवायद शुरू ही 38 गांव को अपने अधीन करने की, ये कामयाब हो पाती है नहीं हो पाती, और ये जो विरोध कर रहे हैं लोग 38 गांव के, ये कब तक कामयाब साबित होता है? कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़।